हमने ना मेरे वीडियो में मुझसे तमड़ी मत दिखा दी थी। दाम 2 रुपए का नहीं करना। औकात से बाहर के कपड़े ले लिए आपने। था झोला पर बनना चाहता था 2 रुपए। Hi guys, welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Janvi Tiwari. I am Gopali. I am Geetanjali Tiwari. और आज हम कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा शॉपिंग चैलेंज। बहुत दिनों बाद शॉपिंग कर रहे हैं। सो आज हम कर रहे हैं 5000 इन वेस्ट साइड वर्सेज 5000 इन स्टूडियो। आई एम सुपर एक्साइटेड। दोनों का कलेक्शन बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, वहाँ पे हम हॉल दिखाएंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे वेस्ट साइड चाहिए। आई लाइक वेस्ट साइड। चल तो फिर कौन कैसे डिसाइड करेंगे? गाइज बिफोर वी डिसाइड, सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टोन पेपर सीजर शूट। ये कैसा स्टोन पेपर है? मैं भूल गई, मेरा स्टोन था। अच्छा वापस अभी। अरे यार वापस होगा, ऐसे होता है समझी। चल स्टोन पेपर सीजर शूट, स्टोन पेपर सीजर शूट, स्टोन पेपर सीजर शूट। ओ 1-1 स्टोन पेपर सीजर शूट। मैं जीत गई। मैं शॉपिंग की थी, बहुत बोरिंग हो जाएगा जानवी ऑडियंस के लिए। नहीं होगा, चल ठीक है। मैं अच्छी इस बार एक्सचेंज कर लो। मैं अच्छी छोटी बहन हूँ। हाँ आप इसको वेस्ट साइड दे दो और आप जूडियो ले। गाइस मैं बहुत ही अच्छी बहन हूँ। अच्छी बहन है। हम आ गए इस्कॉन मॉल। यहाँ पे है जूडियो एंड वेस्ट साइड बोथ। उम्र के साथ मेरी भाषा थोड़ी मम्मी जैसी भी। अब मैं भी क्यों नहीं बोल पा रही, मैं भी मम्मी क्या बोल रही हूँ। बोलना चाहिए बहुत दूर हुई। मैं ट्राई करके देखू। क्यूट, वेरी क्यूट। सही को बोल रही हूँ, मैं क्यूट बोलना भूल गई हूँ। तो है नहीं ना, जो होता नहीं वो भूल जाता है। हेलो, मतलब चंदा दे जाओ, कम से कम मजे ले रहे हो तो। गाइस लुक एट दिस पैंट, दिस इज सो गुड। इतना सही लगे व्हाइट टॉप के साथ, टू गुड। आई एम लविंग द रीसेंट कलेक्शन ऑफ सूट। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। यू आर बिल्कुल नहीं अच्छा है। ये अच्छी लग रही है। मेरी चॉइस, तू मेरी बहन है ना। गुड वन। स्टूडियो वालों ने फैब्रिक पे काफी अच्छा काम किया है। हम बहुत सारी चीजें आज ट्राई करेंगे एंड विल पिक द बेस्ट वन, क्योंकि पैसे खर्चे मैंने। पैर पकड़ ले प्लीज। प्लीज बहन है ना, तू मेरी बड़ी बहन है ना। लेफ्ट साइड में आप पकड़ना। इसके बंदे के काम भी मैं करती हूँ। अब तो आलसी हम तो नहीं करेंगे। गाइस हम इतनी सारी ड्रेसेस क्यों ले रहे हैं वो आपको जल्द बताएंगे। क्यों ले रहे? कट कर देना ये। गाइस उसका कुछ काम नहीं हुआ है, जिसके लिए ड्रेस ले रही उसका कुछ अता पता नहीं है। चल ठीक है, तुमने बहुत ले लिया, तेरा बजट बहुत ज्यादा हो चुका है। औकात से बाहर के कपड़े ले लिए आपने। कपड़े नहीं हो रहे, बट मुझे और एक्सप्लोर करना है। बहुत अच्छा कलेक्शन। बस मम्मी इसी चक्कर में इसको बंदे भी नहीं मिल पाते। मम्मी ये यही बोलती रहती है मुझे और एक्सप्लोर करना है। पागल। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। शॉपिंग कर ली है, अब हम बिल करना है। आ जाओ। शॉपिंग इज डन। वी आर हियर एट वेस्ट साइड। मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी जिस दिन जान भी ऐसा कुछ चाय ले आएगी, पैसे मुझके मिल जाएंगे, उस दिन जाके शॉपिंग करके आऊंगी। चलो लेट्स गो। आई एम एक्साइटेड कि मुझे वेस्ट साइड मिला है। आप इसको वेस्ट साइड दे दो और आप जूडियो ले। बहुत अच्छी लगी मेरी दीदी, तेरे ऊपर ही तो ये कलर तेरे लिए बनाया। चुप, मेरी बुद्धि इतनी तेज है गाइस, तो ऐसे में कुछ नहीं लेने दूंगी, कुछ भी नहीं लेने दूंगी। सबने ना मेरे वीडियो में मुझसे तमड़ी मत दिखा दी थी। ठीक है, नहीं बना रही थी वीडियो। मैं मेरे रूट्स नहीं भूलती गाइस। अरे मैं ऑफिस जाती नहीं हूँ, पर ये ब्लेजर इतने सुंदर लग रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है अब ऑफिस चली जाती हूँ। ऑफिस जाना है, ब्लेजर पहना है। काम 2 रुपए का नहीं करना। ये वेबसाइट में कुछ अलग ही लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे से क्यूट सा कटआउट है, पर मुझे आएगा नहीं।
आजू बाजू लोग आ गए मुझे परेशान करने के लिए। और पीपल वो जो हमने व्हाइट शर्ट है उसमें ये येलो भी है। और मुझे और जानने को ना मैं काफी बार ट्विनिंग वाले आउटफिट चाहिए होते थे, हम प्लानिंग टू बाई दिस टू। मैं ब्रांड्स आती है दोनों सेम कपड़े पहनो तो ये क्यूट लगे है ना। यू ओनली लाइक दिस ड्रेस, दिस इज माय वाइब। राइनस्टोन्स लगे हुए लाइक दिस, ये खरीदते आ रहे हो। ड्रेसेस थोड़ी महंगी कर दी है, 2200 रुपए की होगी। 2200 में तो फिर मैं वो व्हाइट वाली लू। जानी ने जूडियो से लिया है, काफी सिमिलर है वैसे इसका फैब्रिक, अच्छी काफी अच्छा इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। गाइस मुझे ना इनमें पैंट अच्छे तो लग रहे पर भाई मेरी साइज ही नहीं है, मेरे को 26 मिल ही नहीं रहा है। आप चलते फिरते गार्डन लगोगे इसमें, इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा। आज मैंने भी डिसाइड किया मैं काफी सारे कपड़े उठाऊंगी और ट्राई करके देखूंगी। सुपर क्यूट, मेरा वेस्ट साइड का फेवरेट सेक्शन आ गया है। मैं मैक्सिमम चप्पलें यहाँ से खरीदती हूँ, जो भी मैंने पहन रखी है ये भी वेस्ट साइड ही है। तो वेस्ट साइड चलते हैं क्योंकि आजकल जाली हील्स पहनने लगी। इतना मेरा मूड हो जाता है लॉर्ड टिप। आई एम लुकिंग फॉर अ फैंसी क्यूट चीज़ दिखाती हूँ। आई लव दिस, इन्होंने ना यहाँ पे अंदर कुशनिंग दी हुई है सो इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। यहाँ से वेस्ट साइड वाले अच्छे पैंट्स के साथ आए हैं। पता नहीं बॉर्डर लाइन झोला और टोट बैग के बीच का, तो इसका मटेरियल थोड़ा झोले जैसा है बट इन्होंने लुक थोड़ी टोट बैग देने की कोशिश की है। था झोला पर बनना चाहता था टोट बैग। अगर मुझे वेस्ट साइड मिलता तो मैं ये लेती, भले ही ये मेरे आधे ज़्यादा बजट ले लेता लेकिन मैं ज़रूर लेती। आई एम ऑब्सेस्ड विद कैंडल होल्डर्स। मैं मीशो से आई थिंक कैंडल होल्डर मंगवा रही होती हूँ क्योंकि वो सस्ते होते हैं ना। एंड वेस्ट साइड का होम डेकोर इज वेरी नाइस। गाइस बिफोर वी शो यू द हॉल, हम थक गए हैं शॉपिंग करते करते तो हम आ गए खाने। लेट्स गो, वी आर गोइंग टू ईट साउथ इंडियन ऑफकोर्स। मस्त लंच कर लिया है एंड दीदी अपनी कॉफी पे भी आ गई है और हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की है जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप कॉफी एंजॉय करो, तब तक मैं मेरा हॉल दिखाती हूँ क्योंकि मेरा हॉल काफी बड़ा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो ये है हमारे कपड़े। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड माय फेवरेट आउट ऑफ ऑल। वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की ड्रेस। नाउ आई नीड टू टेल यू आई डोंट लाइक अ चटक ऑरेंज विच इज मोर ऑफ रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, वो मुझे नहीं पसंद। आई लाइक सच ऑरेंज, सटल ऑरेंज एंड दिस वन इज सच अ सटल वन। दिस इज पेस्टल ऑरेंज बेसिकली। हाँ पेस्टल ऑरेंज, हाँ बहुत ज्यादा इसे तड़कता भड़कता नहीं है। एंड नीचे दे हैव दिस कटआउट पैटर्न गोइंग ऑन और बहुत ही सुंदर लग रहा है कवर। ऊपर है इनका थोड़ा मेश डिटेल्स तो आई थिंक ये काफी लोगों को आ जाएगी। एंड पफ्ड स्लीव के साथ आता है, काफी ज्यादा प्रीटी है। एंड इसकी प्राइस है 899 में। ये ड्रेस आपको कहीं नहीं मिलेगी बट जस्ट इन स्टूडियो। Yes, and people, the fabric. Studio people, please pay us, studio people. थोड़ा सा तो दे दो यार। The price, the fabric, the pattern, everything is too pretty. और मतलब बहुत ही ज्यादा comfortable, cute है और अंदर भी ये लोगों ने बहुत अच्छा सा अस्तर लगाया है। वो वैसा अस्तर भी नहीं है जैसे वो अपने आप में स्टिफ रह जाता है ना। नहीं ये देखो बहुत सॉफ्ट है गाइस, आई एम वेरी हैप्पी। और स्टूडियो में ना बहुत अच्छा इस बार समरी कलेक्शन था, स्प्रिंग ड्रेसेस थी बहुत सुंदर सुंदर। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब ये बिना डिस्काउंट के 899 का है और अगर सेल आई तो ये और सस्ता हो जाएगा। सो गाइस प्लीज कीप एन आई। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं सेकंड ड्रेस पे। दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी समरी, वेरी कम्फर्टेबल, थोड़ी कैजुअल भी है, आप ड्रेसअप भी कर सकते हो। सो वी हैव दिस ब्लैक ड्रेस। पहली चीज मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और उसके ऊपर प्रिंट भी बहुत मस्त है, थोड़ी पेस्टल पिंक ग्रीन ब्लू टाइप की प्रिंट है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी। एंड दे ऑल्सो हैव अ छोटी सी स्लिट, वेरी कम्फर्टेबल वन। एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो इनके स्ट्रैप्स है ना इसके ऊपर एडजस्टेबल थिंग है तो आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि हमारे कंधे छोटे थे, स्लिप नहीं होती ये ड्रेसेस। वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी कम्फर्टेबल, आई लव्ड इट। दिस इज इन द साइज एस और इसकी प्राइस है 1000 रुपीज एंड द फैब्रिक इज वेरी नाइस गाइज। आई एम वेरी हैप्पी गाइज। ये देखिए लूजर्स का फेस कुछ ऐसा लगता है। नहीं ये खुद भूल गई, ये ड्रेस मैंने पिक की थी। और सेकंडली इस ड्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट आर पॉकेट्स गाइज। हाँ इसमें पॉकेट्स है गाइज, इंपॉर्टेंट। अरे वाह दिमाग से ऐसे में। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, वी हैव दिस
दिस इज नॉट, दिस इज नॉट रेड, दिस इज नॉट पिंक, ये ईंट का कलर आता है ना, ईंट जिस कलर की होती है, जो ईंट पुरानी हो जाती है, ये वो कलर है. ओके गाइस, विल टेक दैट, क्योंकि हमें भी नहीं पता ये कलर को क्या बोलते हैं. दिस इज अ हॉल्टर नेक ड्रेस, इसका पीछे का भी बहुत ज्यादा सुंदर है, जो हमें समझने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो भाई तो स्मार्ट, फैशन मेरा बहुत तेज समझ गई थी मैं. तो मैंने इसको बुलाया ट्रायल रूम और फिर इसने मुझे हेल्प की. तो यहाँ से आप पीछे टाई कर सकते हो एंड इट हैज दिस थ्री लेयर्स. हमें ये एकदम फुल ड्रेस आती है, आप थोड़े लंबे हो तो आपको मैक्सी ड्रेस की तरह आएगी. एंड अगेन वेरी ब्यूटीफुल, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है एंड अंदर भी बहुत कंफर्टेबल सा अस्तर है, वेरी गुड फॉर समर्स. ये हमने ली अगेन साइज एस में और ये हमें पड़ी 1000 rupees की. वेरी वेरी हैप्पी अगेन. मूविंग ऑन टू दी फोर्थ ड्रेस, ये दीदी को कम पसंद आई बट मुझे और दीदी को तो मुझे और मम्मी को तो बहुत पसंद आई. वी हैव दिस व्हाइट ड्रेस. तो ऐसे ना काफी बार मैं जिम जा रही होती हूँ और जिम के बाद मुझे बाहर जाना होता है एंड आई डोंट वांट टू वेयर जिम क्लोज बट आई वांट समथिंग वेरी कम्फर्टेबल, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, तब ऐसी ड्रेसेस कम एकदम हैंडी. वी हैव दिस व्हाइट कलर की ड्रेस और इसमें पॉकेट्स है सामने, इसमें भी थोड़ी सी पैटर्न सी है, ये देखो हाँ ऐसी लाइन्स है एंड वी हैव एम्ब्रॉयडर्ड पॉकेट्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड प्लीज जो आप टाई अराउंड कर सकते हो. सो काफी ज्यादा क्यूट लगी मुझे, लाइक एकदम ऐसे समरी क्यूट वाइब आ रही थी मुझे. अगेन आपको एकदम ऐसे ड्रेसअप करना है तो आप अच्छी हील के साथ पहन सकते हो और अगर आपको एकदम कैजुअल रखना है तो स्नीकर्स के साथ पहन लो. लव्ड इट गाइस. इसकी प्राइस है 899 और ये हमने एक्स्ट्रा स्मॉल में ली, 2 रुपए का नहीं करना. Now we have a very cute top and the only top, क्योंकि बहुत सारे dresses थे ये बार studio में और tops थोड़े okay से थे जो हर बार होते हैं वैसे ही. फिर मैंने ये वाला ले लिया, ये थोड़ा सा ऐसे woolen finish में है और ये बहुत ही ज्यादा cute सा लग रहा था और brands को बहुत सफेद कपड़े चाहिए होते हैं तो हम लेते रहते हैं guys. So, इसके लिए मैंने ये top ले लिया. This is a very cute top and ये पड़ा मुझे ₹599. Very very nice. Last thing that I have is a cute night suit. मारना मुरना गलत बात है. हम लोग जूडियो के नाइट सूट बहुत ज्यादा पहनते हैं. वी हैव दिस वेरी प्रिटी वन इन ग्रे कलर और इसके ऊपर ऐसे पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, एकदम क्यूट सी वाइब आ रही थी. एंड ये इसके शॉर्ट्स हैं. आई पर्सनली डोंट लाइक द इलास्टिक बट ठीक है, छुपी जानी है. सो दैट्स हाउ द शॉर्ट्स लुक एंड इनके शॉर्ट्स आर मच मच बेटर कम्पेयर टू H&M के इतने से शॉर्ट्स होते हैं और इनके शॉर्ट्स आर वेरिएबल शॉर्ट्स गाइस. सो आई रियली अप्रिशिएटेड. दोनों पड़े हमें 800 rupees के, 400 and yeah, that is it. That was my amazing Zudio haul, guys. Team Janvi in the comment section. आगे बढ़ते हैं west side पे. तो guys, क्योंकि Zudio में जानवी ने इतनी सारी dresses खरीद ली थी, मैंने decide किया था कि मैं dresses इतनी नहीं लूंगी क्योंकि कपड़े तो एक ही घर में आने, अब मैं afford नहीं कर पा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ ड्रेसेस पर बहुत अच्छी थी. टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा बजट नहीं होता और कुछ फंक्शन वगैरह, आप अपना बर्थडे आउटफिट वगैरह देख लो, west side जाना बहुत अच्छा कलेक्शन है. मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी फेवरेट चीज से, वो हील्स. तो मैं एक्चुअली एक ऐसे डेली के लिए हील देख रही थी जो मैं शाम को बाहर जाती हूँ पहन सकूं एंड आई हैव गॉट मांगी एंड आई हैव गॉट दिस वेरी कंफर्टेबल, ये ना इसे ब्लैक डेनिम वाले मटेरियल में, वेरी वेरी कंफर्टेबल. यहाँ पे कुशन वाला मटेरियल है तो मुझे पता है मैं काफी रेगुलरली पहन सकती हूँ. बहुत सुंदर है ये, यस, और बहुत बड़ी भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऊंची ऊंची, बहुत चंकी नहीं है. यस, तो आई लव दिस. सेम, इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी थे. दिस वाज फॉर 1600 एंड आई लव इट. और वेस्ट साइड की ना काफी लंबी चलती है, टूटती वूटती नहीं है, मैंने काफी सालों से मैं पहन रही हूँ. सो यस, दिस इज माय फेवरेट पीस. देन आई हैव दिस वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्रिटी ब्लू एंड व्हाइट लाइन वाली शर्ट. अभी गर्मी आ रही है तो गर्मियों में ये वाला जो मटेरियल होता है ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम हल्का सा मटेरियल, ऐसे हवा आ जाके आर पार हो सकती है. सो आई लव द मटेरियल, वेरी वेरी प्रिटी. यस, दिस इज फॉर ₹1300 और ये व्हाइट पैंट्स व्हाइट जीन्स के साथ एकदम रिच बूजी और ये थोड़ी सी फॉर्मल वाइब भी दे रहा है. तो अगर आपको थोड़ा बहुत काम वाम करना है, जाना है मीटिंग वीटिंग में, तो आप ये पहन के जाओ. यस, मतलब अभी आप ऐसे नॉर्मल ऐसे टॉप पहन के क्यूट लगते हैं, वो वाली वाइब देती है शर्ट. देन आई हैव दिस टी शर्ट. तो नहीं ऐसी बेसिक टी शर्ट, जैसे शाम को आप थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारने निकलते हो तो आपको पहननी हो तो पहन, लेकिन कुछ ऐसे थोड़ा सा आपका बर्थडे नहीं, आपके जैसे दूर से फ्रेंड का बर्थडे है जिसकी पार्टी में आपको जाना है तो आप ये पहन के जा सकते हो. वो खाना खिला रहे हैं आपको जाना है तो आप ये पहन के जा सकते हो. भूख लगी है खाना. ये देखो बहुत ही सुंदर सी इसमें से ये वर्क है, डायमंड जैसा राइनस्टोन जैसा, छोटी सी राइनस्टोन वाली इयररिंग्स पहन लो और ये व्हाइट कलर में है. और अगर आप मुझे जानते हो मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है तो इसको ब्लैक पैंट्स, ये बस एक दो बार पहनेंगे फिर इस पे कॉफी गिरा देंगे फिर ये खराब हो जाएगी फिर ये पहन नहीं पाएंगे. तो फिर ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सी टी शर्ट है. आई लव्ड इट. दिस वाज फॉर ₹899. मतलब ये बहुत कैजुअल भी नहीं है बट बहुत एफोर्ट वाला भी नहीं लगता. वेरी वेरी प्रिटी गाइस, जस्ट लाइक मी. वेरी प्रिटी, वेरी नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल, जस्ट लाइक मी. मेकअप लग जाएगा नहीं लगेगा देख. Am I done? Yeah. No?
नेक्स्ट आई हैव दिस शो, वाओ दिस इज माय फेवरेट एंड दिस इज माइन, सारे तेरे। तो जैसे ही जैसे मैंने एंटर किया ना, मैंने सबसे पहले ये वाली शॉर्ट देखने लाइक आई नीड टू बाय दिस। इसका फैब्रिक हम बोल नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा सॉफ्ट मलमल टाइप का फैब्रिक है। एक्चुअली मलमल टाइप का फैब्रिक है और इसलिए ना क्योंकि काफी ट्रांसपेरेंट सा फैब्रिक है, इन्होंने ना अंदर एक ऐसी स्पेगेटी दी हुई है क्योंकि ये अकेली शर्ट पर से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बट भाई साहब ये कलर आप देख रहे हो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, इतना प्रिटी लग रहा था। And the feel that this gives is amazing. ये 1499 की थी, worth every penny. ऐसी जो मैंने ली, मैंने सोचा देखूंगी 1500 की लेनी है, बट जो मैंने पहनी मेरी बॉडी को ऐसा मजा आ रहा था कि वाह 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 पहन के पहना दिया, मजा ही आ रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमने ये लिया है, तो ये ना ये जानवी पहले लेके आ चुकी है येलो कलर में। ये मैडम जी ने कॉपी किया और कॉपी भी ऐसे किया कि आगे लिपस्टिक लगी हुई है क्योंकि इसमें साइज यही अवेलेबल था जानवी, तो लिपस्टिक लगा हुआ ले लेने का। हाँ निकल जाएगी। सो गाइस मैं बताती हूँ, ये ना व्हाइट कलर का ऐसी क्यूट शर्ट है, वेस्ट जैसी शर्ट है जो जानवी येलो कलर में लेके आई थी। हम ट्विन करेंगे अनफॉर्चुनेटली, यस हमें ट्विन करना पड़ जाता है कभी कभी, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। और ये ना 799 रुपीस की थी, पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसका साइज एम है बाय द वे गाइस, बाकी सब ऐसे। ये थोड़ा सा बॉडी हग हो जाता है और बटन्स खुल जाते हैं, हमने एम लिया हमने, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर है पहनने के बाद, तो बहुत ही ज्यादा हीरोइन फील देता है आपको। ऐसे काफी क्यूट बट आपने एफोर्ड नहीं किया फिर भी आप बहुत फैशनेबल टाइप्स लगते हो। यस सो वेरी क्यूट, इसके साथ में बस छोटी सी इयररिंग्स आ रही है, यू आर रेडी टू गो एंड दैट इज इट। बहुत ही ज्यादा टक्कर का लग रहा है मेरे को, मुझे भी अच्छा तो लग रहा है काफी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज फॉर मी एज वेल। अच्छा पर तुझे अगर चूज करना है व्हाट विल यू चूज? आई थिंक आई एम अ ड्रेस पर्सन राइट नाउ, सो आई विल गो विद जूडियो। इवन आई एम अ ड्रेस पर्सन बट आई विल गो विद वेस्ट साइड, क्योंकि जो फैब्रिक है ना guys, weird shit that I do and post it on my YouTube. Okay guys, so that is it. I hope you all enjoyed watching this video. If you did, don't forget to like, share, subscribe, comment. आप कौन सी टीम से और आपको सबसे अच्छे ये व्लॉग में से क्या लगा, I mean वीडियो में से क्या लगा, एंड वी विल सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। Bye bye.